नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस समय मौजूद हूं प्रगति मैदान में। बहुत से एग्जीबिशन यहां पर चल रहे हैं, अलग अलग किचन के प्रोडक्ट्स आप लोग देखते होंगे आज दिन मार्केट में, लेकिन मैं इस समय मौजूद हूं पीकॉक के स्टॉल पे। मेरे साथ मौजूद है पीकॉक के ओनर। बात करेंगे कि अगर पीकॉक के बारे में अगर इतिहास देखा जाए, बहुत छोटे से शुरुआत की गई थी, लेकिन आज पीकॉक एक जाना माना ब्रांड बन गया है और इतने ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। सर, सबसे पहले पीकॉक की जो शुरुआत हुई थी बहुत छोटे लेवल पर हुई, सब जानते हैं, लेकिन आज पीकॉक ने इतनी बड़ी जो तब्दीली हासिल करी है, कैसे? सब मेहनत है, सब लोगों की, पूरा ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत है। हमारे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आज भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है 75%, तो 15 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस कंपनी में लगा दी। दूसरा, हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्किंग जो है वो किसी को हम डिस्टर्ब नहीं होने देते। कोई भी चीज़ किसी भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, दिस इज़ द पॉइंट। सर, जो मार्केट में और अलग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिट भी होंगे आपके, लेकिन अलग प्रोडक्ट से ज़्यादा लोग पीकॉक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा क्या है? सिर्फ क्वालिटी है या और भी कुछ है? क्वालिटी और रेट दोनों को सकते हैं। मार्केट में दो ही रिलेशन होते हैं, क्वालिटी और रेट। अगर आप उसको मैनेज बना कर रखते हो तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रन। क्या मैसेज रहेगा सर लोगों को कि पीकॉक के साथ जुड़े पीकॉक प्रोडक्ट्स लें? क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बहुत से आ रहे हैं जो पीकॉक का लोगो भी लगा देते हैं, लेकिन पता कैसे लग पाएगा कि ओरिजिनल है और डिफॉल्ट? सर, हमारी वेबसाइट पर जाएँ, हमारे प्रोडक्ट की कंपनी में बात करें, रिप्रेजेंटेटिव है, परचेज करने से पहले कंपनी में पूरा नेटवर्किंग है, आप उनसे बात कीजिए परचेज करने से पहले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी टाइम फ़ोन करेंगे, 24 घंटे हमारा ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन करने पे आप चेक से चेक करेंगे, आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। दूसरा, किसी भी प्रोडक्ट को आप बाजार में ले तो क्वालिटी और रेट्स दोनों को कंपेयर कीजिए। सिर्फ क्वालिटी को कंपेयर करें या रेट्स को कंपेयर करेंगे तो फिर मार्केट का स्ट्रेटजी नहीं बन पाएगा। सर, प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लग रहा है, क्या लग रहा है लोगों का रिस्पॉन्स? अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है। लोगों ने आना है, प्रोडक्ट देखने हैं, क्वालिटी देखनी है। हम लोग यहाँ पर अपनी क्वालिटी और रेट्स बताने तो आए नहीं है। प्रोडक्ट देखिए, जो नए लॉन्च हैं, जो प्रोडक्ट देखिए, मार्केट की एक्सेप्टेंस क्या है, नए फॉर्मेट्स क्या आ रहे हैं, इस चीज़ को तो बात। सर, पीकॉक के बारे में जानना चाहूँगा कि पीकॉक आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन जब पीकॉक की शुरुआत हुई थी वो छोटे थे, इसके बारे में क्या? 20 साल पहले पीकॉक बहुत छोटे लेवल पर शुरू करा था। सबसे पहले स्कूटर की कंडियाँ बनानी शुरू करी थी, जब स्कूटर चलता था बजाज सुरैया बजाज चेतक, तो स्कूटर की कंडियाँ बनानी शुरू करी थी। उससे आज धीरे 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 हम यहाँ पहुँचे। मार्केट में और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं और बहुत से यूटेंसिल्स हैं, बहुत से अलग अलग चीज़ों के प्रकार, अलग अलग चाइना प्रोडक्ट बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी लोग पीकॉक को पसंद करते हैं, ऐसा क्या है? हमने कभी किसी से कंपटीशन नहीं करा, हमने हमेशा अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया, सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दिया, मार्केटिंग पे बहुत कम ध्यान दिया है। जब क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो मार्केटिंग अपने आप होगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, देश की जनता को, और जितने यूज प्रोडक्ट्स करते हैं, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं, अपने आप ओपन होते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, ज़्यादा उसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, तो क्या कहना चाहेंगे पीकॉक प्रोडक्ट्स लोग लें, उनको क्या क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? फ़ायदा यही है, हम क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। पीकॉक का डुप्लीकेट भी है बाजार में, उससे सावधान रहना, हम कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम जितनी जल्दी हो सकते हैं इंडिया में अपने प्रोडक्ट में इतनी सबकी लेटेस्ट है, जो भी वर्ल्ड में लेटेस्ट है सब हमारे ब्रांड के अंदर में आपको। ये ब्रांड कहाँ कहाँ पे मौजूद है? लगभग नॉर्थ इंडिया में सभी जगह।